हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। चाहे फ्रेंड्स आप पीआरडी हैं, चौकीदार हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, परिचालक हैं, रोजगार सेवक हैं, या पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी या जल जीवन मिशन के कर्मचारी हैं, या विद्युत या वन विभाग के कर्मचारी हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा जो है जल्द ही जो भी अर्धकुशल, कुशल, अकुशल कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों के जो है मानदेय में वृद्धि की गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर क्या संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी कि नहीं की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा आप लोगों के मानदेय में वृद्धि का जो नया लिस्ट है इसे जारी कर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं कि आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में जो है कितने रुपए की वृद्धि की गई है, और ये जो वृद्धि का लिस्ट है इसे कब से लागू किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है जो भी अर्धकुशल, अकुशल या कुशल कर्मचारी हैं, इन लोगों के मानदेय में जो है अच्छा खासा वृद्धि किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का जो नया लिस्ट है इसे जारी कर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं कि किसके मानदेय में जो है कितने रुपए की वृद्धि की गई है, और इस बढ़ी हुई मानदेय का लाभ जो है आप लोगों को कब से मिलना शुरू होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आइए आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो पीआरडी है इन लोगों के मानदेय में जो है 20,358 रुपये प्रतिमाह जो है इन्हें देने की बात की गई है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में। यानी कि फ्रेंड्स जो भी पीआरडी है इन सारे लोगों को जो है 20,358 रुपये प्रतिमाह देने का बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो लिस्ट जारी किया गया है ये केवल एक राज्य के संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में जारी नहीं किया गया है। इसका लाभ जो है भारत के सभी राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर पीआरडी उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में है या मध्य प्रदेश में है या बिहार में है तो इन सारे लोगों को जो है 20,358 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। हालांकि फ्रेंड्स मान के चलिए अगर बिहार में जो है पीआरडी की वेतन या मानदेय जो है इससे ज़्यादा है तो उन्हें जो है वही रेट मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स भारत के जिस भी राज्य में पीआरडी जवान का मानदेय अगर 20,358 रुपये प्रतिमाह से कम है तो उन लोगों को जो है अब 20,358 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए चौकीदार के मानदेय में तो चौकीदार को जो है 21,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में कही गई है। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में तो इन्हें जो है 25,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में की गई है। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए अनुदेशकों के मानदेय में तो अनुदेशकों को जो है अब 20,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए परिचालकों के मानदेय के बारे में तो इन्हें जो है 22,568 रुपये प्रतिमाह देने का जो जिक्र है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए रोजगार सेवकों के मानदेय के बारे में जिन्हें जो है यूपी में अभी इस टाइम 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, और देखिए फ्रेंड्स अलग अलग राज्यों में जो है इन लोगों का मानदेय भी अलग अलग है। केंद्र सरकार द्वारा जो बढ़ी हुई मानदेय का नया लिस्ट जारी किया गया है इसमें जो है रोजगार सेवकों को 24,804 रुपये प्रतिमाह देने की बात की गई है। और अगर वहीं बात किया जाए पंचायत सहायकों के मानदेय के बारे में तो इन्हें जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। और अगर वहीं बात किया जाए आशा या आंगनवाड़ी को कितने रुपए देने की बात की गई है तो इन्हें जो है 18,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की गई है, जैसा कि आप लोग जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए जल जीवन मिशन के जो भी कर्मचारी हैं, फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है 13 लोगों की भर्ती 6 पदों पर इस जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत जिस भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी उन सारे लोगों को जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह देने की जिक्र जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट कि किसे जो है कितने रुपए मानदेय देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स संविदा कर्मियों के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा इस बढ़ी हुई मानदेय का जो नया लिस्ट है इसे जारी कर दिया गया है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स पीआरडी जवान को जो है 20,358 रुपये प्रतिमाह, चौकीदार को 21,000 रुपये प्रतिमाह, शिक्षा मित्र को 25,000 रुपये प्रतिमाह, अनुदेशक को 20,000 रुपये प्रतिमाह, परिचालक को 22,568 रुपये प्रतिमाह, रोजगार सेवक को 24,804 रुपये प्रतिमाह, पंचायत सहायक को 20,000 रुपये प्रतिमाह, आशा और आंगनवाड़ी को जो है 18,000 रुपये प्रतिमाह, जल जीवन मिशन के जो भी कर्मचारी हैं इन्हें जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह, और देखिए फ्रेंड्स जो भी वन विभाग के कर्मचारी हैं इन्हें जो है 18,000 रुपये प्रतिमाह देने का बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए विद्युत विभाग के जो भी कर्मचारी हैं तो इन्हें जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात जो है इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट में किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो है इस बढ़ी हुई मानदेय का जो लिस्ट जारी किया गया है इसे जल्द ही जो है सभी राज्यों से लागू करने का जो है अपील किया गया है। और फ्रेंड्स जल्द ही जो है आप लोगों को इस बढ़ी हुई मानदेय लिस्ट का लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।